हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मिडजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर यूपीपीएससी ए के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको जो टेक्निकल की क्लासेज हैं सबूं सब प्रोवाइड कराते हैं। आप जाइए चैनल पे, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो यूपीपीएससी ए में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, टोटल 75 मार्क्स। तो इस तरीके से आज हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो जो नए दोस्त हैं उनको बता दें कि जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बोलता हूँ, पिकअप देता हूँ, आप भी करिए। आप भी परखिए अपने आप को कि आप कितना जानते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन? शब्द दिया है आपको अजात शत्रु। अजात शत्रु पूछ रहा है कि इस शब्द में, अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास, और चौथा विकल्प है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपको बताना है अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास होगा। अगर समास से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप लेक्चर का वीडियो देखिए, समास का बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अजात शत्रु जो शब्द है कौन सा समास होगा, इसमें बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, शब्द दिया है धीरे धीरे। क्या शब्द है? धीरे धीरे पूछ रहा है। इसमें धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होगा। विकल्प है आपके पास द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास, और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो धीरे धीरे शब्द जो है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था समास, तो वहां पे बताया था पहला ही समास अव्ययी भाव में कि जो पुनरोक्ति शब्द होते हैं उनमें कौन सा शब्द होता है, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, कानों कान, कौन सा समास होता है उसमें, अव्ययी भाव समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है आपको पंचानन। क्या शब्द है? पंचानन पूछ रहा है। इसमें कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास, और चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। तो जो पंचानन शब्द है कौन सा समास होगा, इसमें बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे अगले क्वेश्चन में, कि शब्द दिया है आपको सरासर। सरासर इसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा समास होगा। पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो सरासर शब्द है, अभी बताया आपको जैसे धीरे धीरे, कि जो पुनरोक्ति शब्द होते हैं भैया उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्द दिया है आपके पास, शब्द क्या है, चौमासा। चौमासा शब्द है, पूछ रहा है इसमें
कि जो चौमासा शब्द है कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है द्वंद समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो चौमासा शब्द है पहला पद संख्यावाची है इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है आपको वज्रपाणी, वज्रपाणी पूछ रहा है इसमें कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो जो वज्रपाणी शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, उससे पहले एक निर्देश है, क्या है निर्देश, नीचे जो शब्द दिए गए हैं इसमें आपको क्या करना है कि समास का भेद बताना है कि कौन सा समास है, शब्द क्या है आपको बताना है, शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा समास होगा, कौन सा समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अगला शब्द है, क्या है अगला शब्द दिया है, नीलांबर, शब्द क्या है नीलांबर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, शब्द क्या है और शब्द है धनंजय, क्या शब्द है धनंजय, धनंजय शब्द में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है शब्द आपके पास, शब्द दिया है आपको तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा, तो तिरंगा शब्द में दो समास हो सकता है, कौन कौन सा, एक तो बहुव्रीहि एक तो द्विगु। अगर विकल्प में आपको बहुव्रीहि दिया है तो आप पहले बहुव्रीहि सही करेंगे, अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो द्विगु समास आप ऑप्शन चुनेंगे। तो तिरंगा शब्द में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि भी हो सकता है, दोनों देख लीजिए आप, बहुव्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है, लेकिन द्विगु कब होगा, जब बहुव्रीहि विकल्प में नहीं होगा, अगर बहुव्रीहि विकल्प में होगा तो हमेशा और हमेशा सिर्फ बहुव्रीहि समास ही सही होगा। अगला है शब्द निर्विवाद, पूछ रहा है कि निर्विवाद जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो निर्विवाद में कौन सा समास है, कर्म धारय समास। अगला है शब्द आपके पास दशमुख, दशमुख, दस है मुख जिसका अर्थात कौन, रावण, तो कौन सा समास होगा दशमुख में, बहुव्रीहि समास। फिर अगला क्या है शब्द आपके पास, अगला शब्द है चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन, शंकर भगवान या शिव, इसमें भी चंद्रशेखर शब्द में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, शब्द क्या है
रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला शब्द है रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसमें भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला शब्द है आपके पास भरपेट, अगला शब्द है भर पेट, क्या होगा? पेट भर के, ठीक। तो भर क्या है? अव्यय भी लगा है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगला है शब्द, अगला शब्द है आपके पास आनंद मग्न, आनंद मग्न, क्या हो जाएगा समास विक्रिया? आनंद में मग्न, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। फिर अगला शब्द है आपके पास कौन सा? धनहीन, धनहीन, धन से हीन, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला शब्द है क्या? आजन्म, आ जन्म, जन्म में आ उपसर्ग लग गया है या आ अव्यय लग गया है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला है शब्द, अगला शब्द क्या है? त्रिवेणी, अगला शब्द क्या है? त्रिवेणी, कौन सा समास हो जाएगा? पहला पद संख्यावाची द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची द्विगु समास। अगला है क्वेश्चन, शब्द क्या है आपके पास? धीरे धीरे, पुनरोक्ति शब्द है, कौन सा समास होगा? अव्ययी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? चार विकल्प दिए हैं आपको, उसमें से कर्म धारय समास का उदाहरण बताना है। पहला विकल्प है पतझड़, पतझड़। दूसरा विकल्प है नील गगन, नील गगन। तीसरा विकल्प है त्रिफला, और चौथा विकल्प है गांव शहर, गांव डैश शहर। आपको बताना है कि इसमें से पतझल, नील गगन, त्रिफला और गांव शहर में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक। कर्मधारय समास का विकल्प आपका दूसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आपको बताना है किस समास का पहला पद, पहला पद, पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? विकल्प है आपके पास द्विगु समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास का। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार विकल्प आपको दिया है, उसमें से आपको तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, कौन सा है? पहला विकल्प है एक तरफा, एक तरफा। दूसरा विकल्प है आत्मनिर्भर,
आत्मनिर्भर, तीसरा विकल्प है धनंजय और चौथा विकल्प है चौराहा। इनमें बताना है चारों में एक तरफा, आत्मनिर्भर, धनंजय और चौराहा में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से जो आत्मनिर्भर यानी खुद पर है, जो जो खुद पर निर्भर है वो क्या है, आत्मनिर्भर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द दिया है आपको जलमग्न, जलमग्न। पूछ रहा है इसमें कौन सा समास होगा, पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है द्वंद समास और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव समास। आपको बताना है जलमग्न में कौन सा समास होगा। तो जलमग्न में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछिए और चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।